आपने कई बार सुना होगा कि विटामिन सी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा से शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं। सिर्फ यही जानकारी नहीं, बहुत सारे और भी जानकारियों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि विटामिन सी के कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। बार-बार बीमार पड़ना। बार-बार बीमार पड़ना विटामिन सी की कमी की एक लक्षण है। विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत होती है। शरीर किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता हमें विटामिन सी देता है। विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करने में मदद करता है, इसीलिए हमें विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है। इस प्रकार विटामिन सी की कमी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकती है। दूसरा है धीमी गति से घाव भरना। जब हम घायल हो जाते हैं तो हमारे घाव भरने के लिए कोलाजन प्रोटीन की जरूरत होती है, और विटामिन सी की कमी से शरीर में कोलाजन बहुत धीमी गति से बनता है, जिसके वजह से बहुत ही धीमी गति से शरीर में घाव भरते हैं। तीसरा है खराब दंत स्वास्थ्य। आपके मसूड़े बने होते हैं कोलाजन प्रोटीन के वजह से, और कोलाजन प्रोटीन के उत्पन्न करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा महत्व होता है। विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़े कमजोर और सूजे हुए हो जाते हैं, और उनसे खून बहने का भी संभावना होती है। आसानी से चोट के घाव लगना भी एक बहुत ही सामान्य संकेत है विटामिन सी की कमी का। जब छोटी रक्त वाहिकाएं या कोशिकाएं अंदर ही टूट जाती है, तब त्वचा पर धब्बे दिखाई देते हैं। पांचवा लक्षण है हड्डियों का खराब स्वास्थ्य। विटामिन सी की कमी से हड्डियों में खराब स्वास्थ्य के लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी हड्डियों को बनाने में और कार्टिलेज को बनाने में बहुत ही मदद करता है, जिसके वजह से विटामिन सी की कमी के कारण हड्डियों में दर्द और सूजन महसूस होता है। सूखी हुई त्वचा भी विटामिन सी के कमी का एक लक्षण है। विटामिन सी एक सामान्य त्वचा घटक है, जो दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में पाया जाता है। इसीलिए जब विटामिन सी की कमी महसूस होती है तो स्किन का स्वास्थ्य भी बहुत ही कमजोर नजर आता है, वो सूखा और बहुत ही खस्त नजर आता है। बार बार नाक बहना भी विटामिन सी की कमी का एक लक्षण है। नाक के त्वचा के नीचे जो छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती है, वो विटामिन सी के कमी के कारण बहुत कमजोर हो जाती है और वो टूटने लगती है। जब ये होता है तो नाक बहने लगता है। सूखे और क्षतिग्रस्त बाल। जैसे ही मैंने पहले आपको बताया, विटामिन सी हमारे शरीर में कोलाजन बनाने में मदद करता है। जब विटामिन सी कम हो जाते हैं तो शरीर में कोलाजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण बाल टूटने और गिरने लग जाते हैं। विटामिन सी फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, जिसके वजह से विटामिन सी के कमी के कारण शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से तेजी से वजन बढ़ने लगता है। दसवां और आखिरी लक्षण है हमेशा थका हुआ और खस्क होना। हमेशा थका हुआ और खस्क होना विटामिन सी की कमी का भी एक लक्षण माना जाता है। तो चले आए हम यह अब देखते हैं कि विटामिन सी की मात्रा शरीर में कैसे बढ़ाया जाए। पहले तो शुगर को अवॉइड करना, विटामिन सी के कैप्सूल्स खाना, फलों को खाना जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना और ग्लूटाथियोन लेवल्स को शरीर में बढ़ाना।
अगर आपको ये लगता है कि आपको आप में भी यही सारे सिम्टम्स है तो आपके डॉक्टर के पास जरूर जाइए और रक्त परीक्षण के बाद वो बता पाएंगे कि आपके शरीर में विटामिन सी का लेवल कम है या नहीं। कम है तो इसको कैसे दूर करना है उसकी भी सलाह वो जरूर देंगे। डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लीव योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।